ये है इडली मेकर, काफी छोटे साइज का इडली बनेगा इसमें, आप देख सकते हैं। लेगा और भी देखते हैं, और ये है आपका चटनी, और ये जो है आपका ढोकला के लिए है, इसको देखते हैं क्या है। सारे बर्तन जो आपको मिल रहे हैं मैं आपको दिखा दूं पहले, फिर से ये आ गया आप बड़े साइज के इडली बनाने के लिए, ये पूरा सेट, और बॉक्स में कुछ है नहीं। चलिए इसमें क्या है देखते हैं। ये आपको मिल जाता है वारंटी कार्ड, इसको रखते हैं बाद में देखेंगे, और ये दो आपको बड़े साइज के इडली मिल जाते हैं। ये देखिए फुल पिक साइज में जो इडली जो नॉर्मल बनते हैं शॉप में भी या अपने घर में भी बनाएं तो इडली के लिए परफेक्ट है। और ये है आपका ऊपर का कैप जो आप ढकेंगे, और ये मेन यूनिट जो आपका कढ़ाई के शेप में आया है, इसमें आप वो बॉईल करेंगे। तो चलिए इसे फिट करके दिखाते हैं किस तरह फिट होगा, तो इसे सेट किस तरह करेंगे और देखेंगे। चलिए मान लीजिए इडली बनाना है आपको, तो ये कंटेनर लेंगे और आप यहाँ हल्के हाथों से ये देखिए यहाँ रख देंगे, सीधा एकदम फिट होना चाहिए। इसमें मैक्सिमम दो ही जाएगा, तो एक और हम लोग कर सकते हैं बस, तीसरा आप नहीं करेंगे, तीसरा करेंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। दो से ये परफेक्ट कैप भी लग जाएगा, देख सकते हैं, और कैप जो है यहाँ पीछे लग चुका है परफेक्टली। लेकिन अगर आप तीन लगाएंगे, वैसे दो ही कंटेनर इडली का मिला है, तो तीन लगाइएगा आप तो ये कंटेनर जो है आपका टाइट नहीं होगा, मतलब दो ही आप एक एट अ टाइम लगा सकते हैं, तो ये इडली की हो गई। और बाकी सब इसी तरह आप बारी बारी लगा सकते हैं। मोमोज के लिए ये जो जाली आपको दी गई थी भाप के लिए, ये मोमोज के लिए है, आप नीचे रख के इसके ऊपर मोमोज रख देंगे, तो ये सेंसर्स आपको फ्लिपकार्ट में ऑनलाइन मिल जाएगा। तो ये तकरीबन आपको 1500 मिल जाएगा, आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक से भी डायरेक्ट ले सकते हैं लिंक से। और आशा आपको ये वीडियो पसंद आया, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। धन्यवाद।